श्री गुरुभ्यो नमः, श्री मात्रे नमः। भारत भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम के निकटवर्ती अनकापल्ली जिले के अंतर्गत देवीपुरम का पुण्य क्षेत्र स्थित है। यह श्री यंत्र महामेरु मंदिर है। नौ पहाड़ों के मध्य प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अत्यंत रमणीय विश्व का एकमात्र श्री यंत्र के आकार का मंदिर है। देवीपुरम में श्री 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 सहस्राक्षी राजराजेश्वरी माता खड़गमाला में वर्णित 108 परिवार देवियों के साथ विराजमान है। श्री यंत्र महामेरु मंदिर जो 108 फीट लंबाई, 108 फीट चौड़ाई और 54 फीट ऊंचाई में है। यह एकमात्र श्री यंत्र है जिसमें आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ उपस्थित जीवन समरूप खड़गमाला देवताओं की पूजा कर सकते हैं। एक वास्तविक दिव्य अनुभव। आइए अब चलते हैं देवीपुरम के स्वयंभू श्री कामाख्या योनि पीठम। श्री कामाख्या देवी देवीपुरम में योनि के रूप में स्वयं प्रकट हुई, जो असम के कामाख्या पीठम के समान है। श्री कामाख्या देवी ने सन 1983 में गुरुजी श्री अमृतानंदनाथ सरस्वती को साक्षात दर्शन दिए और गुरुजी को कई प्राचीन पूजा अनुष्ठानों में दीक्षित किया। श्री कामाख्या योनि पीठम और श्री यंत्र महामेरु मंदिर के अतिरिक्त गुरुजी के द्वारा स्थापित देवीपुरम में अन्य विशेष मंदिर भी हैं, जिन्हें हम इस परिचय में आगे अन्वेषण करेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR मुंबई में कार्यरत परमाणु वैज्ञानिक गुरुजी पर 1977 में श्री बाला देवी ने शक्तिपात करके आदेश दिया कि वे एक मंदिर का निर्माण करें। मंदिर के साथ ही देवीपुरम विश्व का एक प्रमुख श्री विद्या साधना क्षेत्र भी है, जहां श्री विद्या का प्रशिक्षण जाति, कुल, लिंग का मतभेद न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो सीखने की आसक्ति रखता हो उसे दिया जाता है। सांसारिक समृद्धि एवं आध्यात्मिक आनंद परस्पर साथ में हो सकते हैं। भक्तजन स्वयं अपने हाथों से मंदिर में भगवान की पूजा कर सकते हैं। देवीपुरम में महिलाओं को पुरोहित के रूप में प्राथमिकता दी जाती है। यह हमारे मूल सिद्धांत है जिनका हम अनुसरण करते हैं। अब चलते हैं द्विसहस्रलिंगम दक्षवाटी की ओर। महादेव की इस पावन स्थली में 2000 व्यक्ति एक साथ 1000 शिवलिंगों के प्रति रुद्राभिषेक कर सकते हैं। मध्य में पिरामिड आकार में जड़ित 365 स्फटिक शिवलिंगों के प्रति एक बार रुद्राभिषेक करने से भक्त को साल के 365 दिन रुद्राभिषेक करने का लाभ प्राप्त होता है। कार्तिक मास में यहाँ सहस्र दीपार्चन की शोभा देखते ही बनती है। अवधूत श्री दत्त गुरुपीठम शिवालयम साथ ही कार्य सिद्धि गणपति मंदिर देवीपुरम के अन्य विशेष मंदिर है। देवीपुरम की स्थापना करने सभी के लिए श्री विद्या के ज्ञान को सुगम बनाने और प्राचीन अनुष्ठानों को सामान्य व्यक्ति के लिए समझने में सुलभ बनाने के अतिरिक्त गुरुजी ने विश्व को दो बहुत ही प्रभावशाली सशक्तिकरण अनुष्ठान प्रदान किए हैं। श्री ज्योति सन 2012 में गुरुजी द्वारा प्रस्तुत किया गया सामुदायिक श्री चक्र पूजा अनुष्ठान है। यह अनुष्ठान तंत्र का अभ्यास रूप है। कलावाहन गुरुजी के द्वारा रचित दूसरी अनुपम पूजा विधि है। कलावाहन व्यक्तिगत सशक्तिकरण अनुष्ठान है। यह आध्यात्मिक चक्रों को सक्रिय करता है और व्यक्ति को एक देवी के रूप में पूजित होने का अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। श्री विद्या के ज्ञान को सभी तक पहुंचाने का उद्देश्य हमेशा से देवीपुरम के सैद्धांतिक मूल्यों का प्रमुख हिस्सा रहा है। 1982 में स्थापित श्री विद्या ट्रस्ट SVT गुरुजी के इस आदर्श को विभिन्न प्रयासों के द्वारा जारी रखे हैं। नियमित आवासीय एवं ऑनलाइन श्री विद्या कोर्स का आयोजन SVT द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें गुरुजी द्वारा बनाया गया है ताकि आप श्री विद्या के आध्यात्मिक आनंद को अनुभव कर सकें। श्री विद्या फोरम अमृतानंद एक परस्पर संवादात्मक मंच या इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, जहां आप गुरुजी के लेखों, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से श्री विद्या के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। SVT का गुरुजी श्री अमृतानंद के जीवन चरित्र गॉडेस एंड द गुरु एवं गुरुजी के द्वारा श्री विद्या साधना पर लिखे अनेक लेखों को 2019 नॉटिकल बुक अवार्ड प्राप्त गिफ्ट्स फ्रॉम द गॉडेस जैसे प्रमुख प्रकाशन के द्वारा सभी तक पहुंचाने में विशेष योगदान रहा है।
देवीपुरम द्वारा भारत एवं विदेशों में भी विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रम, रिट्रीट्स और वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है, जिससे एक और व्यक्ति के स्तर पर प्रतिभागियों के आध्यात्मिक यात्रा को बल एवं दृढ़ता प्राप्त होती है। वहीं साथ ही उज्ज्वल भारतीय संस्कृति का भी विश्व में प्रसार होता है। गुरुजी श्री अमृतानंदनाथ सरस्वती द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किए देवीपुरम महामेरु विभिन्न आकारों और निर्माण पदार्थ जैसे तांबा, गोल्ड प्लेटेड कांस्य आदि में साधकों के लिए उपलब्ध है। देवीपुरम में प्रतिदिन हवन, कुमकुमार्चन, नवावरण पूजा व अन्य अनुष्ठान किए जाते हैं। विशेष अवसरों पर अभिषेक एवं भक्तों के अभीष्ट पूर्ति से संबंधित प्रार्थना के लिए श्री महामेरु मंदिर में स्थापित अष्ट मातृकाओं का अभिषेक भी किया जाता है। भक्तगण साधक पुजारिणियों की सहायता से स्वयं अपने हाथों से पूजा करते हैं। भक्तों के अनुरोध पर विशेष पूजा एवं हवन आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से 5 नवरात्रियाँ एवं वर्ष में 2 बार देवी कल्याणम का आयोजन किया जाता है। शारदीय नवरात्रों से शरद पूर्णिमा तक वार्षिक ब्रह्मोत्सवम का 15 दिनों तक बड़े उत्साह के साथ आयोजन किया जाता है। आदिशक्ति के संकल्प से स्थापित देवीपुरम भगवान पर विश्वास एवं भक्ति का प्रतीक है। यहाँ देवी की दिव्य इच्छा शक्ति ने ज्ञान, समानता एवं आध्यात्मिक निधि का गुरुजी श्री अमृतानंदनाथ सरस्वती व गुरु अम्मा के माध्यम से भक्तों, साधकों के लिए अनुपम आश्रय बनाया है। आप सभी देवी श्री सहस्राक्षी राजराजेश्वरी ललिताम्बिका के इस पावन श्री धाम देवीपुरम में सादर आमंत्रित हैं। श्री गुरुभ्यो नमः, श्री मात्रे नमः।